बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे टू का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.5। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आर द वोटिंग प्रेफरेंसेस ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स। वोटर हैं पंजाब में और सिंध में। टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स वर टेकन फ्राम दीज पब्लिक पॉपुलेशन एंड द वैल्यूज एंड वन एंड टू आर इक्वल टू 100। अब हमारे पास आप कह लें पंजाब का डाटा एक तरफ है, उसने बल्कि सारा डाटा दे दिया है, हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लिखेंगे एन वन जो है वो है 100, एन टू वो भी 100 है, इक्वल है ना एन टू के, और एन टू तो वैसे ही 100 है। अब आपने पी वन हमारे पास आ जाएगा जी, ये पी वन है 0.54, पी टू है 0.47, ठीक है 0.47, और हमें फाइंड करनी है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। आप लोगों ने 95% हम लिखेंगे जी टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू यहाँ अप्लाई होगा 1 - α इज इक्वल टू 0.95, 1 - 0.95 इज इक्वल टू α 0.05 आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.025। 1 - α/2 इसे 1 में से माइनस कर देंगे 0.975 आ जाएगा। अब जी टेस्ट स्टैटिस्टिक हमें अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, जी टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.975। या जगह आपने 0.97 की रो में देखना है और 0.005 वाले कॉलम में, तो 1.96 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब ये जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई, पी वन पी टू आ गया, सारा डाटा हमें गिवन है। हम लिखेंगे जी टू साइडेड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रपोर्शंस। अब देखेंगे π1 - π2 लिखना है या π2 - π1 लिखना है, देखते हैं। क्वेश्चन में बताया है, देखिए ये क्वेश्चन के एंड पर उसने बताया है π1 - π2 लगानी है। बेशक p1 में से p2 निकालें आंसर माइनस में या प्लस में, और आपने ये लाजमी ये वाली फाइंड करनी है, टू डिफरेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करना किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि उसने खुद बता दिया कि π1 - π2 फाइंड करना है। अब देखिए p1 - p2 इंटू प्लस माइनस जी टेस्ट स्टैटिस्टिक इंटू p1 - p1 डिवाइड बाय n1 प्लस p2 इंटू 1 - p2 डिवाइड बाय n2 या जाएगा p1 में से p2 माइनस करेंगे 0.54 से 0.47 माइनस करेंगे आ जाएगा आपके पास 1.96 इंटू p1 आएगा 0.454, 1 - 0.54 इंटू डिवाइड बाय n1 जो कि 100 है प्लस 0.47 इंटू 1 - 0.47 डिवाइड बाय n2 जो कि हमारे पास ऑलरेडी 100 है। अब लिखेंगे प्रोपोर्शन की वैल्यू π1 - π2, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपने कहना है। कैलकुलेटर से करेंगे, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, आपने पिछले क्वेश्चन तो देखे होंगे कि किस तरह करने हैं, बिल्कुल उसी तरह मैंने बहुत से अच्छे अच्छे तरीके बताए आपने किस तरह वैल्यूज़ एंटर करनी है कैलकुलेटर में। 0.54 डिवाइड बाई n1
एन वन मेरे पास 100 है प्लस 0.47 इंटू वन माइनस 0.47 डिवाइड बाई 200 विद ब्रैकेट ऑफ कर दी। अब आया मेरे पास आंसर पॉइंट माइनस का आया। ये क्यों आया मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हमसे एक गलती हो गई है। पॉइंट 0.54 इंटू वन माइनस 0.54 डिवाइड बाई 100 प्लस 0.47 इंटू वन माइनस 0.47 डिवाइड बाई, जी बिल्कुल ये गलती हमसे यहाँ पर हुई है। ये देखें यहाँ 1000 था एन वन एंड एन टू, मैंने आपको समझाते 100 लिख दिया, यहाँ मैं 1000 कर देता हूँ यहाँ पर लाकर। ये पीछे से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो है ये रिमूव मैं कर दूँगा यहाँ से। ये देखें यहाँ से मैं मल्टीप्लाईगेशन की जगह डाल दूँगा ब्रैकेट इनटू 0.454 0.54 इंटू वन माइनस 0.54 इंटू डिवाइड बाय 1000 प्लस 0.48 0.47 इंटू वन माइनस 0.47 डिवाइड बाय 1000 ब्रैकेट ऑफ, ये आ गया 0.026। मैंने 3 डिजिट तक फिक्स रखा हुआ है करके, आप 2 तक 4 तक जितने चाहे कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में आप 3 से 4 डिजिट तक ही फिक्स रखें। फिक्स आपने किस तरह से करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 12.2 एक्सरसाइज इसका थर्ड का ए पार्ट आप लोगों ने लाजमी देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।